महंगे इलाज से परेशान दुनिया के लिए भारत अब एक नई आस बनने को तैयार है। भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने जा रहा है और इसका सीधा फायदा देश के फार्मा निर्यात को होगा। 2030 तक फार्मा निर्यात में हर साल कम से कम $5 अरब बढ़ोतरी की उम्मीद है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक 2021-22 में भारत का फार्मा निर्यात $24.47 अरब रहा। 2030 तक भारत के फार्मा निर्यात के $70 अरब तक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल भारत का फार्मा बाजार $47 अरब का है। इनमें $22 अरब का कारोबार घरेलू स्तर पर होता है। दवा निर्यातकों का कहना है कि भारत सस्ती यानी जेनेरिक दवा बनाता है और फिलहाल दुनिया की 20% जेनेरिक दवा का सप्लायर भारत है। दुनिया में लगने वाले 60% वैक्सीन का सप्लायर भी भारत ही है। फार्मा एक्सपोर्टर्स के मुताबिक भारत पहले से ही वैश्विक दवाखाना है, क्योंकि दुनिया के 206 देशों में किसी न किसी रूप में भारतीय दवा की सप्लाई होती है। अब उन देशों में भी भारत की सस्ती दवाओं की आपूर्ति होगी, जिन्हें भारत की सस्ती दवा पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं होता। भारत हेपेटाइटिस बी से लेकर HIV और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए दुनिया भर में सबसे सस्ती दवा बनाता है। रसायन और खाद मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी API के उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर PLI स्कीम के ऐलान के बाद 39 API का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिनका अब तक देश में आयात होता था। PLI स्कीम के तहत 53 API के उत्पादन की पहचान की गई है और इसके लिए 32 नए प्लांट लगाए गए हैं। भारत हर साल $2.8 अरब की API और दूसरे कच्चे माल का आयात चीन से करता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत $4.8 अरब की API और दवा के दूसरे कच्चे माल का निर्यात भी करता है। हाल ही में UAE और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जो व्यापार समझौता किया है, उससे भी भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत अभी केवल $34 करोड़ का फार्मा निर्यात करता है, जो अब $1 अरब तक जाने का अनुमान है। UAE के बाजार से भारतीय दवा अफ्रीका के देशों में जाएगी। दक्षिण अमेरिका के देश भी भारत की सस्ती दवाओं के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।